Hey YouTube family, good evening. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे. तो आप देख रहे होंगे आज हम कुछ नई सी जगह हैं. तो आज हम हैं सोफी के स्कूल के आगे. आज सोफी की मीटिंग है तो स्कूल का विजिट था. तो स्कूल का विजिट आप लोगों को दिखाने वाले हैं, सोफी का स्कूल कैसा है. और क्लासेस हैं इसकी सितंबर से. तो ये रहा स्कूल, सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, सबकी पेरेंट्स के साथ मीटिंग थी और बच्चे रो रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं. दैट मीन्स स्कूल बहुत अच्छा होने वाला है. चलिए मैं आपको क्लासरूम वगैरह सब दिखाती हूँ, जो जो भी अंदर होगा. तो आप लोग भी देखिए भाई कनाडा का स्कूल कैसा होता है. और मैं एंट्रेंस दिखाती हूँ कैसा है सब कुछ. हो रहे मेरी दोनों बेटियाँ. तो जी ये रहा माशाल्लाह सोफी के स्कूल का नाम. एंड ये रही सिर्फ ये नर्सरी की बिल्डिंग ही है, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ नर्सरी की ही है. और अंदर लैची क्या क्या होता है. स्कूल बहुत खूबसूरत है. और ये रहा मेन डोर. तो जी अंदर चले, देखें क्या क्या है, कैसा है. ठीक है, चलो अंदर आ गए. शोना एक्साइटेड? नोरा एक्साइटेड? चलो देन हम लोग चलते हैं. तो ये सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, ये देखिए जिनके एडमिशन्स हुए हैं, ये सारे पेरेंट्स आए हुए हैं जिनके लिए बुलाया है शोना को. ये किट मिली है सोफी को, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. बहुत अच्छा स्टाफ है. अभी मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी. ये काइंड ऑफ नर्सरी क्लास का एक बॉडी है. अभी कुछ एक्टिविटी कराएंगे. और ये रहे सारे पेरेंट्स और उनके माँ बाप, सारे बच्चे, सारे लोग बैठे हुए हैं मास्क लगाकर. सोफी, सोफी आर यू एक्साइटेड? यस. नोरा, दिस इज योर स्कूल? बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत स्कूल है. ये देखिए मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ. अभी एक क्लासरूम यह है इनका खेलने का. क्लासरूम, वन क्लासरूम, टॉय रूम है बच्चों का. यहाँ बच्चे सारे क्रिएटिव भी कर रहे हैं. सोना देखिए, सोना क्या बना रही है. नूरा कहाँ है? आओ आओ. And you're all day already. अभी हम आए हैं दूसरे रूम में. ये एक रूम ये था, ये चलो चले रूम में चलते हैं. ये आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम था, ये है शोना का दूसरा रूम. यहाँ राइटिंग नेट. हाँ हाँ, यू डोंट वरी, पहले आप यहाँ पे करो, यहाँ पे करो. सिट है, सिट है, सिट है. हाँ देखो, कंप्लीट करो एस, है ना. एरो, एरो कहाँ से शुरू हो रहा है? एरो को ऐसे शुरू करो. एरो नो, आपसे आपसे फॉलो करना है ना. No, this is same. This is same. ये प्रोजेक्ट लगा है इनके रूम में. ये देखिए, ये राइटिंग क्लास है. सारे बच्चे राइट कर रहे हैं यहाँ पर. गेम्स है, अमेजिंग है, बहुत अच्छा स्कूल है. ये सोफी नाम लिख रही है. देखो सोफी ने अपना, ये स्कूल ने दी थी शीट सोफी के नाम की, सबके नाम की शीट्स हैं. सोफी ने अपना नाम लिखा है और अपने पापा का नाम. सोना, सोना ड्रॉप योर कलर इनसाइड. सोना गो. तो भैया ये है इनकी लाइब्रेरी, हमारी बेटी की, जरा देखें. अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी लाइब्रेरी है. वाओ, टीचर्स सुनाए इस लाइब्रेरी, मतलब लग ही रहा कि यार
ये पढ़ाई का है या क्या है? सही मायनों में हमें तो बहुत क्रूरता के साथ पढ़ाया गया है, और आई होप जैसे स्कूल है उस तरीके से जो रहे वो बच्चे की पढ़ाई भी रहे। लेकिन मेरा दिल बहुत खुश हो गया, बहुत खूबसूरत स्कूल है। और You have a very special outfit. I love it. I promise to go to school and read as much as I can. Do you like books? Yeah. To follow the rules, please respect the team. I am. They're having fun. They're working with their friends. They're drawing and they're reading. I promise to run full court and show up each time. What are they playing? Soccer? And what are they doing here? They're skipping. Yeah, there's a soccer ball, and they're drawing with chalk to get right back up and let my magic shine. Let all my shit shine. Yeah, so let their magic shine. I promise to be open and try new things and enjoy the happy that change can bring. They look happy? Yeah. You guys are my best audience. Right? Just stay here with me. Oh, you're so happy. I promise to wear a big smile and use kindness when I speak. He's going to school. Pardon? He's going to school. They're going to school, yeah. To remain strong yet humble with every win and defeat. They're playing basketball. Playing basketball? Yeah. And they're shaking hands. They're happy. I promise to ask for help whenever I need it. Yeah, it's a big basketball. Yes, it's a big basketball. This is a big basketball. That's a smaller basketball. Yes, that's right. I think you should be in grade one. And the library sang it. Story time हो रहा था, देखा आप लोगों ने. अब ये यहाँ पर गेम करा रहे हैं बच्चों को. ये देखिए, हर चीज से अलग है. कोई बाउंडेशन नहीं, बच्चों का दिल लगा रहे हैं. Should I jump? Bring it, not throw it. No, Sophie. Hold it. Funny little thing. Okay, go for it. Very good. No. Yeah, that's it. Very good. That's how you do it. Haha, no, go, you can go. Yeah, you can go. Very good. Oh, my goodness. Now go. Hop like a bunny. Very good. मेरी छोटी बहन है, मेरा नाम रोशन कराती ना लायक. शोना, यू कैन डू. चलो जंप जंप अप लेके बनी. हाफ स्कूल का दिल हो रहा है, तसल्ली से हो गया दिल. तो यहाँ पे देखिए, ये जो बकेट रखी है, एक एक बच्चे के नाम की एक एक बकेट है. इसमें हमें सोना के कपड़े, अंडरवियर, सब कुछ हमें सोना का भी भेजना है. ये स्कूल में ही रखा जाएगा. तो सोफी की हो रही है स्कूल की न्यू जर्नी स्टार्ट कनाडा में. आप लोग उसके फ्यूचर के लिए दुआ कीजिए, दोनों बेटियों के लिए, और उसकी जर्नी का हिस्सा बनिए. सोफी के स्कूल की डे फर्स्ट का आज मीटिंग थी. इस मीटिंग का पार्ट पेरेंट्स की तरह मैंने आप लोगों को भी बनाया. और आगे डे फर्स्ट स्कूल से लेके सेकंड डे, अब जैसे जैसे सोफी ग्रो होगी, शोना बड़ी होगी, वैसे वैसे आप लोगों को भी अपडेट मिलेगी. और जो लोग कनाडा मूव करने वाले हैं उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है. तो वो बहुत एक्साइटेड है, वो बोल रही है कि मैं स्कूल आने के लिए बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से मेरा स्कूल स्टार्ट हो. तो अगर आप लोगों को सोफी का स्कूल पसंद आए या कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको सोफी का स्कूल. और उसके लिए कुछ अच्छे विशेस उसके डे फर्स्ट स्कूल के लिए.
और चलिए आगे उसका जो और ब्लॉग जो है वो मैं आपको शूट कर कर दिखाती हूँ। चलो रास्ते में चलते चलते आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर घर बन रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मज़ेदार ही बताती हूँ आपको, ये जो घर दिख रहा है ना ये सब लकड़ी के बन रहे हैं। 10 दिन पहले तक यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। हम जब आए थे सोना के स्कूल के साइड कुछ भी नहीं था, 10 दिन में लकड़ी के पूरे घर बन गए हैं। और इसी सीज़न में यहाँ पे घर बनते हैं कनाडा में, और ये सारे साउंड प्रूफ होते हैं, एयर प्रूफ होते हैं। तो ये देखिए 10 दिन में घर रेडी, नो ईंट नो पत्थर सारा इसमें, और एक से एक भारी वजन बर्फ का झेल लेते हैं ये। तो यह है नर्सरी का प्लेग्राउंड। बच्चे अभी अंदर से आप लोगों को क्लासरूम वगैरह दिखाया है मैंने। क्लासरूम के बाद सारे पेरेंट्स यहाँ आ गए क्योंकि अंदर स्कूल हो गया है क्लोज, एंड डे केयर का टाइम भी ख़त्म हो गया। खूबसूरत बादल दिखे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं पीछे। तो बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए, हम भी स्ट्रॉलर ले लेते हैं। स्कूल मुझे बहुत पसंद आया, एंड टीचर्स बहुत अच्छे लगे, स्टाफ बहुत अच्छा था, मेरी नोरा पे तो सबका दिल आ रहा था। नोरा शोना थोड़ी सी शाय है, नोरा बहुत टॉकेटिव है, बट आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोग दुआ कीजिएगा। तो अभी खेल रही हैं, ये देखिए ये इनके, यार ये अभी तो खेल लेंगे, ये जब स्नो पड़ेगा फिर तो नहीं आ पाएंगे, 2 महीने तक ये बेचारे बच्चे यहाँ खेलेंगे। और एक्टिविटी और क्या क्या होगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा नेचर के साथ भी जीना सिखाते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रास वगैरह में केचुआ पकड़ के हाथ पे रख देंगे कि भैया देखो ये नेचर की चीज़ें, हमारी तरह नहीं जैसे हम डरते हैं मकड़ी से इससे उससे, ये लोग नहीं डरेंगे, यहाँ पे हर तरह से जीना सिखाते हैं। तो ये खेल रही है हमारी अलाद, यार ये सोफी, सोफी आओ आओ, कमिया कमिया, थोड़ी नर्वस थी बट अभी नर्वस नहीं है, मज़ा कर रहे हैं अभी सब लोग। वो देखो अटक के खड़ी हो गई है, हेल्प मी जा रही है। अच्छा प्लेग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है, ये सिर्फ नर्सरी वालों का है, ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ नर्सरी वालों का ही है, बड़े बच्चों का नहीं है, ये सिर्फ नर्सरी का ही है। अच्छा ये पीछे से जो देख रहे हैं ये बैक साइड है स्कूल का, सुना कि स्कूल का बैक साइड है। बच्चे बहुत शैतान हैं यार लेकिन। तो आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक एंड, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सोना के स्कूल की नई जर्नी शुरू हो रही है, उसकी जर्नी का पार्ट बनिए और ब्लॉग को शेयर कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टाटा बाय बाय, हम लोग निकलते हैं घर के लिए क्योंकि अभी 8:15 बज चुके हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।